हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये जो भी चीज़ें मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ, ये सब के सब एनसीईआरटी के हिसाब से ही हम चल रहे हैं। तो आप जब भी हमारे मेरे वीडियो को देखें तो आप एनसीईआरटी के बुक्स को जरूर फॉलो करें, तो आपको टॉपिक में गड़बड़ नहीं होगा कि कौन सा टॉपिक अगला चालू होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो सबसे पहले आप फ्लक्स को समझिए कि फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, तो फ्लक्स जो होता है इसको समझने के लिए आपको चैप्टर वन में जाना पड़ेगा और वहां समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आता है तो आपको मैग्नेटिक फ्लक्स भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास में एक दीवाल है यहाँ पास में, और यहाँ से हम पानी को फ्लो करवा रहे हैं, पाइप से छोड़ रहे हैं। ठीक है, जब ये पानी इस दीवाल पे पड़ेगा, ठीक है, तो ये पानी इस दीवार पे कितना इफेक्ट करेगा और हमको कैसे पता चलेगा कि पर सेकेंड या पर किसी भी इंस्टेंस टाइम पे ये पानी इस जगह पे कितना पड़ा। ठीक है, तो ये चीज कौन बताएगा कि कितना पड़ा? तो ये चीज जो बताता है कि कितना पड़ा वो है फ्लक्स। ठीक है, इसी को अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स की भाषा में समझें तो मान लीजिए कि हमारी एक दीवार है, ठीक है, और ये फील्ड लाइंस जो हैं वो इस दीवाल को काट रही है, तो फ्लक्स क्या करेगा, ये कैलकुलेट करके बताएगा कि ये फील्ड लाइंस इस दीवाल को कितना काटेगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को कि ये फील्ड लाइंस इस दीवाल को कितना काटेगा, ये कौन बताएगा? ये बताएगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब आप इसको अगले आगे देखिए कि ये क्या है। तो दीवाल, अगर आप दीवाल को देखेंगे तो दीवाल को हम किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को छोड़ रहे हैं। अब इसमें दो चीजें आती हैं सबसे पहले। ठीक है, तो मान लीजिए कि आप दीवार को अगर एक स्ट्रेट लाइन की तरह देखेंगे, ठीक है, तो जो फील्ड लाइंस है वो दीवार के चारों इस टाइप से बहती हैं। ये दीवार की लाइंस है, ये देखिए। ठीक है, ये हमारा एरिया वैक्टर है। क्यों? क्योंकि जो एरिया वैक्टर होता है वो दीवार के हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जब मैं फील्ड लाइंस को छोड़ूंगा, मान लीजिए कि ये फील्ड लाइंस को मैंने यहां से छोड़ा, ठीक है, तो ये फील्ड लाइंस है मेरी, ये जो जा रही है, ठीक है, ये, ठीक है, तो आप देख रहे होंगे मैं क्रॉस बना रहा हूं। ठीक है, तो इसको मैं आपको बता देता हूं कि क्रॉस का मतलब क्या होता है। मान लीजिए कि एक तीर है वो आपकी तरफ आ रहा है। अगर कोई भी तीर आपके तरफ आ रही है तो आपको सामने से कैसा दिखाई देगा? तो आपको सामने से उसकी नुकीली चीज दिखाई देगी। तो नुकीली चीज कैसे टाइप से दिखाई देती है? एक सर्कल बनाइए और एक डॉट बनाइए, इस टाइप से दिखाएगी। इसका मतलब होता है कि फील्ड लाइंस आपकी तरफ आ रही है। ठीक है, अगर कोई तीर को आप पीछे से देखोगे तो इस टाइप से क्रॉस दिखाई देगा। तो इसका मतलब होता है कि फील्ड लाइंस उस साइड जा रही है, मतलब सरफेस की तरफ जा रही है। ये आने वाले फील्ड लाइंस को दर्शाता है और ये जाने वाले फील्ड लाइंस को बताता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ये फील्ड लाइंस अभी जा रही है। तो जब ये फील्ड लाइंस जा रही है और इस दीवार को हिट करेगी, तो सिर्फ और सिर्फ ये जो दिख रहा है ये पतला सा लकीर, सिर्फ इसी जगह हिट करने वाले, मतलब फील्ड लाइंस को इस दीवार के टकराने की संभावनाएं बहुत ही कम है, मतलब बहुत ही कम टकराएगा। ठीक है, तो जब ये बहुत ही कम टकराएगा तो ये कितना एंगल बनाता होगा? ठीक है, तो ये जो बनाएगा ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, अगर इसको मैं दीवार को इस टाइप से सेट करूं आपका, और ये हमारा क्रॉस है, तो एरिया वेक्टर किस साइड जा रहा है? एरिया वेक्टर भी आपका आर पार होके जाएगा। तो ये जो क्रॉस दिख रहा है ये है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, और देख सकते हैं कि दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो ये कितना एंगल बनाएगा? ये बनाएगा 0 डिग्री, क्लियरली है एकदम। इसको हम लोग फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन में भी समझेंगे कि इसका क्या इफेक्ट है और कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, और मैं आपको इसके फॉर्मूले के बारे में भी बता देता हूं कि ये क्या है। ठीक है, तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा कि एरिया वेक्टर क्या होता है। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर में ही होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स बताता है कि किस रेट से मैग्नेटिक फील्ड उस एरिया वेक्टर को काट रहा है। ठीक है,
तीसरा चीज है, अगर वो सरफेस किसी टाइप का भी हो, समझ लीजिए कि इररेगुलर शेप में है, तब भी एरिया वेक्टर जो होगा वो हमेशा 90 डिग्री पे ही उस सरफेस को काटेगा, मतलब उस सरफेस पे 90 डिग्री को ही लिया जाएगा, चाहे वो कैसा भी सरफेस हो, ठीक है। तो अगर मुझे पूरे सरफेस का निकालना है कि इस पूरे सरफेस पे फ्लक्स का इफेक्ट क्या पड़ा है, तो मैं क्या करूंगा, बहुत ही सिंपल तरीके से जितने भी फील्ड लाइंस हमारी काट रही हैं, इन सारे फील्ड लाइंस को इसके साथ मल्टीप्लाई करके अलग अलग, जैसे ये B1 है, ये DA1 है, तो ये मान लीजिए कि B2 है, तो इसका जो एरिया है मान लीजिए ये है, तो इसको लेंगे DA2, और ऐसे करते करते सभी को अलग अलग लेना है और सभी का सम कर दीजिए। जब आप सभी का समेशन कर देते हैं, मान लीजिए कि समेशन है और ये I है, I इक्वल टू 0 to n और समेशन ऑफ BI और AI, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। जब आप ऐसा करेंगे तो पूरे एरिया का आपको फ्लक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए समझते हैं इसी तरीके से। तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है, फ्लक्स होता है B.A, ठीक है। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है, और अगर आप इसको नॉर्मल भाषा में लिखेंगे, एरिया स्केलर फॉर्म में, मतलब इसका कोई डायरेक्शन नहीं बताएंगे, तो BA cos थीटा, ठीक है। अब आपको एक चीज दिख रहा होगा यहाँ पास में, थीटा, तो ये थीटा किस काम आता है, ये बताता है कि किस एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस एरिया वेक्टर को काटेगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, BA cos थीटा। तो जैसे जैसे आपको मालूम होगा कि जो थीटा की वैल्यू होती है वो जीरो पे मैक्सिमम होती है और 90 डिग्री पे सबसे मिनिमम होती है, जीरो के बराबर, ठीक है। तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि इस टाइम पे ये वाले पोजीशन पे फील्ड लाइंस इस एरिया को बहुत ही कम काट रहा था, क्योंकि ये 90 डिग्री बना रहा था और 90 डिग्री पे तो मिनिमम होता है, और जब इसका एंगल जीरो डिग्री था तो इस टाइम पे मैक्सिमम होता है, तो इसकी जो वैल्यू है फ्लक्स की वो 90 डिग्री पे मैक्सिमम होगा और 0 डिग्री पे मिनिमम होगा, ठीक है। तो चलिए इसी तरीके से हम अपने अगले टॉपिक की तरफ जाते हैं कि हमारा अगला टॉपिक क्या है, ठीक है। तो हमारा अगला टॉपिक है फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन, ठीक है। तो ये एक्चुअल में थ्योरेटिकली है और इक्वेशन के माध्यम से हम इसको समझेंगे कि क्या होता है। तो चलिए समझते हैं फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले इसका मैं डेफिनेशन लिख देता हूं कि क्या होता है फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। तो डेफिनेशन है द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये जो डेफिनेशन मैं लिख रहा हूं आपके एनसीईआरटी बुक से ही है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए सर्किट, जो मैग्नीट्यूड है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो जनरेट हो रहा है सर्किट पे, तो वो किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, सिंपल एकदम, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट। तो सिंपल सी डेफिनेशन क्या है, थ्रू द सर्किट। तो सिंपल सी डेफिनेशन क्या है कि ईएमएफ उतना ही जनरेट होगा जितना मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, बहुत ही सिंपल सी बात है एकदम, ठीक है। तो फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन क्या बोलता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जब वो आपके फील्ड लाइन, जो वो आपके सरफेस को काटेगा, तब कितना फील्ड लाइन, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कितना जनरेट होगा, जितना मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा उतना ही हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ भी जनरेट होगा, ठीक है। और इसकी डायरेक्शंस को आपको समझने के लिए मेरा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के वीडियोस आप देख लीजिएगा, तो आपको क्लियरली समझ में आएगा इसके एनिमेशन के थ्रू कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो चलिए इसके इक्वेशन को लिखते हैं। तो इक्वेशन हमारा बोल रहा है E = d∅/dt चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो आपके बुक में दिया होगा यहाँ पास में माइनस सिंबल, तो ये माइनस सिंबल किस लिए लगाया गया है, बहुत ही सिंपल सी बात है कि चेंज इन फ्लक्स,
तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके उस कॉइल को काटेगा, ठीक है, तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल को काटेगा, इस तरीके से आ रहा है और ये हमारा कॉइल है, तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल को काटेगा तब क्या होगा, तब फ्लक्स जनरेट होगा, ठीक है। तो जब इसमें फ्लक्स जनरेट होगा तो ये कॉइल उसको अपोज करने के लिए उल्टा करंट बहा के इसमें से फील्ड लाइंस बनाएगा उल्टा, और ये उल्टे फील्ड लाइंस को बनाने के लिए हमको ईएमएफ बनाना पड़ेगा। तो ये उल्टा जो अपोज कर रहा है, ये अपोज ये सिंबल का नतीजा है, ठीक है। तो ये सिंबल इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये फील्ड लाइंस को अपोज करेगा, ठीक है। तो चलिए इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग, माइनस एन डी फाई बाई डी टी। तो ये एन किस लिए है, ये एन बताता है कि जो कॉइल है इसमें कितने टर्न है, नंबर ऑफ टर्न, ठीक है। तो आई होप आपको फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन भी समझ में आ गया होगा। इसी को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो माइनस एन डी बाई डी टी बी ए कॉस थीटा, ठीक है, क्लियर है एकदम। अब इसको अगर हम आगे और अच्छे से लिखना चाहेंगे तो और अच्छे से लिख सकते हैं, माइनस एन डी, सॉरी फील्ड लाइंस तो चेंज नहीं होगी मैग्नेटिक फील्ड की, तो डी ए कॉस थीटा अपॉन डी टी, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट था इसकी, तो ये हमारा ये इक्वेशन बन रहा है क्लियरली फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन का, ठीक है। तो चलिए इसी तरीके से हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है इस टॉपिक पे तो कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लेंस लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो लेंस लॉ को समझने के लिए मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे वर्क करता है, तो चलिए इसको फिर से समझने की कोशिश करते हैं। तो लेंस लॉ क्या होता है, तो लेंस लॉ सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन क्या होगी या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसा होगा, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन आपकी बुक में दी हुई है, तो चलिए मैं आपको डेफिनेशन भी बता देता हूँ, डेफिनेशन क्या है। टॉपिक हमारा है लेंस लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आप सबसे पहले इस एनिमेशन को देखिए, तो इस एनिमेशन में क्या है, ठीक है। तो इस एनिमेशन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्लियरली दिख रहा है कि ये करंट अगर जब फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ में, ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे बह रहा है तो जो नॉर्थ पोल है वो इस साइड में है, मतलब लेफ्ट साइड से आ रही है, मतलब राइट से लेफ्ट जा रहा है, ठीक है। और इसको जब मैं चेंज करता हूँ करंट की डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को जब मैं चेंज करूंगा तो नॉर्थ पोल की जो डायरेक्शन है वो इस साइड चली जाती है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये नॉर्थ पोल की डायरेक्शन चेंज होने से क्या हो रहा है, नॉर्थ पोल की डायरेक्शन चेंज होने से फील्ड लाइन का पता चलता है कि फील्ड लाइन किस साइड है। और लेंस लॉ में हमको क्या करना है कि ये जो करंट का फ्लो है, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, उसको हमको बताना है। बहुत ही सिंपल सी बात है एकदम, ठीक है। तो देख सकते हैं कि नॉर्थ पोल इस साइड है, तो ये इस साइड फ्लो हो रहा है ऐसे, ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। इसी को हम अब थ्योरेटिकली समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। तो देख सकते हैं कि इस वाले पॉइंट पे ये इलेक्ट्रॉन इस साइड से फ्लो हो रहा था, जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर फ्लो हो रहा था, ठीक है, सॉरी गलत मैंने डायग्राम ले लिया, ये इस साइड, ये वाला है नॉर्थ वाला इस साइड आया, तो जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर फ्लो हो रहा था तो इसको मैं कैसे बताऊं। तो अगर मैं इसको दो तरीके हैं बताने के, या तो आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पकड़ लीजिए तो उससे आपको पता चल जाएगा, या तो आपके पास में एक सिंपल सा नोटेशन दिया हुआ है। क्या नोटेशन है, आप एक नॉर्थ बना लीजिए, एन बना लीजिए, ठीक है, और इसके जो कोने कोने हैं इसमें एरो बना लीजिए। तो जब एरो को देखेंगे, ये एरो इस साइड आएगा, ये एरो इस साइड आएगा, तो इससे भी आपको पता चल जाएगा। देखिए अगर ये एरो इस साइड, ये वाला, तो ये इस गोला से एंटी क्लॉक वाइज भी ये घूम रहा है,
तो ये जो करंट है, ये फ्लो हो रहा है जो इलेक्ट्रॉन का, ये भी एंटी क्लॉकवाइज पे फ्लो हो रहा है, ये वाला इस साइड है और ये वाला इस साइड में है। तो क्लियरली लेंज लॉ सिर्फ यही बताता है कि करंट की डायरेक्शन आपकी क्या होगी, इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन आपका क्या होगा। क्लियर है आपको? तो चलिए इसी को तरीके से हम दूसरे देखकर समझते हैं, दूसरा वाला, कि जब नॉर्थ पोल इस साइड जाएगा, मतलब चेंज होगा फ्लो का, तो क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसको एनिमेशन से समझते हैं हम लोग। तो इस टाइम पे आप देखिए, मैंने डायरेक्शन को चेंज कर लिया। ठीक है, इस टाइम पे क्या हो रहा है कि साउथ पोल इधर, नॉर्थ पोल इधर है, तो इस टाइम पे जो फील्ड लाइन्स है वो इस तरफ जा रही होंगी, ठीक है, राइट की तरफ जा रही होंगी, तो हमारा जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी चेंज हो गया। ठीक है, तो इसको हम इसमें समझते हैं। तो देखिए क्लियरली पता चल रहा है कि नॉर्थ पोल की डायरेक्शन अब इस साइड में है, मतलब फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन अब इस साइड में है, तो जो हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी अब डाउनवर्ड हो गया है और इस साइड से अपवर्ड हो गया है। ओके है, तो आई होप आपको लेंज लॉ भी समझ में आ गया होगा। एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का सिंपल सा फंडा है कि जो भी चीज जैसी भी है वो अपने आप को चेंज नहीं करने देना चाहता, ये इनर्शिया बोलता है। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है कि उस टाइम पे जो भी चेंजेस आ रहे हैं उन सभी का जो सम होगा, उन सभी का जो सम होगा वो बराबर ही रहने वाला है, उस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये एक हमारा डिवाइस था जिसपे कुछ तो इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, तो जब ये फील्ड लाइंस इसको ब्रेक करने की कोशिश करी, इसमें चेंजेस करने की कोशिश करी, ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कारण ये क्या बोला कि मैं अपने आप को जैसा हूं, मतलब मेरा जैसा भी सम है वो बराबर रहना चाहिए, तो इसने अपोज करके इस फील्ड लाइंस को कैंसिल करने की कोशिश किया। और जब आप इसका सम देखे तो हमेशा आपको जीरो ही मिला, क्योंकि ये तो अपने को चेंज करने देना चाहता ही नहीं था। तो कंजर्वेशन क्या बोला कि जितना भी सम होगा इस पूरे सिस्टम का वो जीरो ही होने वाला है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। जितना भी चेंज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस पे कर रही थी, इस कॉइल पे, ये इसको अपोज करके पूरा का पूरा खत्म कर दिया, और यही मतलब होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में, ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो कृपया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। आपका दिन शुभ रहे, थैंक यू।